हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ रितु मैथमेटिक्स लेक्चरर फ्रॉम मेरिटोरियस स्कूल मोहाली सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस मीन्स कि हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस होएंगी राइट लीनियर इक्वेशंस मीन्स क्या होता है कि जिसमें अननोन वेरिएबल्स की डिग्री वन होती है दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस राइट और हमने उनके फाइंड आउट करने हैं सल्यूशन सल्यूशन का मतलब होता है कि जो इक्वेशंस में अननोन वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स वाई कुछ भी वो हमने फाइंड आउट करने होते हैं क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ए वन एक्स प्लस बी वन बाई टू सी वन दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई टू सी टू दिस इज सेकेंड इक्वेशन राइट तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हो हमारे पास दो अनोन वेरिएबल है दैट इज एक्स एंड वाई जो ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू है दैट इज़ अ कांस्टेंट क्लियर है सेकेंड चीज़ आप नॉर्मली क्या करते थे अगर आपने देखा हो ये इक्वेशन हम लोगों ने टेंथ क्लास में सॉल्व करी होती हैं क्योंकि टेंथ क्लास में हम लोग हमारे सामने कुछ लीनर इक्वेशन होती हैं हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं बाय सब्स्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड बाय एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन तो लाइक like, बहुत सारे मेथड हम लोग यूज़ करके एक्स एंड वाई वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मतलब उनके सोल्यूशन निकालते हैं बट इन दिस चैप्टर डिटर्मिनेंट आप लोग क्या करोगे ये x और y जो फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड क्योंकि अब हम लोग मैट्रिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की डिस्कशन कर रहे हैं तो फाइंड आउट हो जाएंगे x एंड y बट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है आपके सामने कुछ लीनियर इक्वेशंस होती है एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड तो आज हम वही सीखेंगे क्लियर है जी अब आप ये देखो कि आप ये जो इक्वेशन है इनको मैट्रिक्स में लिखना कैसे है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिखी हुई हैं मैंने एक ए मैट्रिक्स बनाया हुआ है ए मैट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है और आपने उसमें क्या करना है पहली रो में फर्स्ट इक्वेशन के कॉन्सेंट लिखने हैं जो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर दैट इज ए वन एंड बी वन जो एक्स एंड वाई के ऑप्शन हैं वो उठाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं फर्स्ट रो तैयार होगी सेकेंड रो क्या करनी है सेकेंड इक्वेशन में से जो एक्स और वाई के ऑप्शन हैं वो आपने लिखने हैं दैट इज योर सेकेंड रो जितने अननोन वेरिएबल उतने क्रॉस का मैट्रिक्स इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल थे अननोन तो ये टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स बनेगा क्लियर है जी अब ये जो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है इसमें आप क्या लिखोगे कैपिटल एक्स से डिनोट करेगे और इसको लिखोगे इन अ कॉलम में राइट और ये जो मैंने एक अनदर मैट्रिक्स बी डिस्कस किया हुआ है दैट इज योर सी वन सी टू ये वो कॉन्स्टेंट है जो आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है आप इनको कॉलम वाइज लिखोगे क्लियर है अब इसको लिखने का तरीका होता है ए एक्स इजिकल्स टू वी मतलब अगर आप इस ए और एक्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन तो आपको ये फाइंड आउट ये निकल जाएगा क्लियर और इजिकल्स टू तो किसके के आई बी के मतलब एक तरीके से इन लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका ये हो गया ए एक्स टू बी क्लियर है अब आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो क्या पूछता है एक तो पूछता है कि सोल्यूशन निकालो एंड वन थिंग मोर वो कई बार ये पूछ लेता है कि यो है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट तो सोल्यूशन करने से पहले हम लोग ये टॉपिक कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी कैसे चेक करी जाती है इक्वेश की तो कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी के लिए सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है क्योंकि देखो इक्वेशन आपके सामने लिखी होंगी आप उन इक्वेशन से एक ए मैट्रिक्स बना लोगे एक एक्स बना

अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आता है तो आप उसको कंसिस्टेंट बोलते हो अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया देन उसके बाद आपने ऑप्शन होती है आपके पास आपने क्या निकालना होता है एडजॉइंट ए इंटू बी एडजॉइंट इंटू बी एडजॉइंट आपने मे बी लास्ट वीडियो में सीखा होगा कि अड कैसे निकालते हैं तो आपने उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है बी मैट्रिक्स से ये रहा आपका बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखनी है अगर वो जीरो के इक्वल आ गई तो फिर आप बोलोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका मतलब है कंसिस्टेंट है और अगर वो नॉन ज़ीरो आ गया तो आप बोलोगे नो सल्यूशन नो सोल्यूशन मतलब इनकन्सिस्टेंट तो इनकन्सिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होता है कब जब आपका डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आ जाए और उसके बाद एडजॉइंट ए इंटू बी आ जाए नॉन ज़ीरो तब आप बोलते हो इनकंसटेंट अदरवाइज डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो आ जाए तो कंसिस्टेंट और ये भी ज़ीरो और अडजॉइंट ए इंटू बी भी ज़ीरो तब भी क्या होता है कंसिस्टेंट तो इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट जैसे हमने टू क्रॉस टू का डिस्कस करा वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है आपकी जैसे ये तीन इक्वेशंस लिखी हुई हैं मैंने अब इसमें अननोन वेरिएबल कितने हैं तीन एक्स वाई जेड तो मतलब कितने क्रॉस का मैट्रिक्स बनेगा थ्री क्रॉस थ्री का सेम उसी तरीके से पहले ए मैट्रिक्स तैयार कर लो फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के वेरी कॉन्स्टेंट एक्स वाई जेड के सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन और एक्स कैसे लिखोगे एक्स वाई जेड इन अ कॉलम और बी भी कैसे लिखोगे जो कॉन्स्टेंट है इन अ कॉलम में तो ये हो गया थ्री क्रॉस थ्री में लिखने का तरीका क्लियर है जी इस तरह हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करते हैं अब हम कुछ कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस ताकि आपको पता चल जाए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन हम लोग बाद में निकालते हैं जैसे कि अब आप मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रही हूँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है सपोज एक्स प्लस टू वाई इज इक्व टू टू एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्व टू थ्री हमारे पास दो इक्वेशन है अब ही बात है x और y दो नॉन वेरिएबल है तो टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स बनेगा हम लोग पहले अपना ए मैट्रिक्स बनाते हैं ए मैट्रिक्स बनेगा इट्स वन क्योंकि इसका कॉप्शन क्या है जी वन है और y का कॉप्शन टू है सेकेंड इक्वेशन में टू और थ्री राइट right? और आपका जो x है दैट इज़ एक्स वाई और जो आपका बी मैट्रिक्स है वो क्या होएगा टू थ्री जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है क्लियर अब हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस तो आपने कुछ नहीं करना सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है एंड वी नो टू क्रॉस टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं पहले करते हैं प्रिंसिपल डायगनल की मल्टीप्लीकेशन मतलब वन की मल्टीप्लीकेशन थ्री के साथ माइनस रिवर्सल डायगनल की मल्टीप्लीकेशन ये रिवर्सल डायगनल होता है इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं जी टू इंटू टू तो ये सॉल्व हो गया कितना आ गया थ्री माइनस फोर दैट इज इक्व टू माइनस वन विच इज़ नॉन जीरो तो जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ जाए तब आप क्या बोलते हो कि ये क्या है कंसिस्टेंट है मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है जी कंसिस्टेंट है और वी के से दैट कि इट इज़ अ यूनिक सोल्यूशन क्लियर है जी बात तो ये तो हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो वाला केस अब आपके सामने अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ जैसे कि ये है एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव टू एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू थ्री इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं आपने कुछ नहीं किया सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाया ठीक है आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद उसका आंसर आया जीरो और जब डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाता है फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होती है अडज्वाइंट ए इंटू बी निकालने की तो अडज्वाइंट ए निकालना आपको आता है सबसे पहले आप निकालते हो माइनर देन को फैक्टर फिर उसका ट्रांसपोज करते हो अडजॉइंट निकल आता है क्लियर इस अडजॉइंट की आपने मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है बी मैट्रिक्स से और बी मैट्रिक्स क्या था आपका ये रहा जो राइट हैंड साइड पर कॉन्स्टेंट है फाइव और एट क्लियर है जी तो आपने अडज्वाइंट ए इंटू बी मल्टीप्लाई करा जब मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ ये आ गया सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हो गया तो इसका आंसर आ गया ये विच इज़ नॉन ज़ीरो और जब अरज्वाइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो आ जाता तब हम क्या कहते थे इनकन्सिस्टेंट मतलब नो no सोल्यूशन तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेशन था ये क्या था जी इनकन्सिस्टेंट क्लियर है जी तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कंसिस्टेंट हो और इनकन्सिस्टेंट का बाकी जो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं लीनर इक्वेशन के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके थैंक यू